हमारे लिए सदुपयोग नहीं हो सकती कि हम उसी कृषि के मार्फत से अपनी जीविका अर्जन कर सके। ऐसे में एक उद्योग भी एक हमारा साथी है जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी को एक संपन्न भरी जिंदगी जीने का सहारा बना सकते हैं। ये उद्योग के आने के बाद लोगों में जितनी समानता आई है वो आज हर कोई जानता है। पहले जमाने में जो दबंग लोग रहते थे, मजदूरों को बंधुआ बनाकर उनसे पेंटियां काम कराते थे, थोड़ी सी मजदूरी दिया करते थे और हर एरिया में एक दादा रहता था। लेकिन उद्योग आने के बाद हर किसी के पास पैसा आ गया है, चाहे प्रत्याशी तौर से हो या अप्रत्याशी तौर से हो। हर कोई कंपनी के इस फायदे से जुड़ी है, चाहे कोई व्यवसाय कर रहा हो या कोई ठेकेदारी कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो, हर किसी तरफ से आज हर के पास पैसा है। तो आज इंसान अपने आप को अपने जगह पर स्थिर कर चुका है ताकि वो सामने वाले के साथ नजर पे नजर मिला सके। आज कोई किसी के दबाव में नहीं है, हर कोई स्वतंत्र अपनी जिंदगी जी रही है। इसका मेन कारण सिर्फ उद्योग है, उद्योगीकरण है। जहां तक मैं देखता हूँ हमारे पूर्व जहां पर हमारे कंपनी बस चुकी है, वहां की जनता बहुत ही ज्यादा खुश और एकदम संपन्न हो चुकी है। और ऐसे ही स्थिति आज हमारे इस क्षेत्र में अगर निर्मित हो रही है तो बिल्कुल इसका समर्थन करना चाहिए हर आदमी को। आज कंपनी आने के बाद बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का हम लोगों को फायदा मिलते जा रहा है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ एक कम्युनिकेशन की जो साधन है, अगर उद्योग नहीं आती तो हमारे पास मोबाइल भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। आज देखिए मेरे मोबाइल पर कोई नेटवर्क नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में आज कोई उद्योग नहीं है। जब आज इस क्षेत्र के लोग उद्योग खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल इस क्षेत्र में उद्योग खोलना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी वही सब सुविधा उपलब्ध हो सके जो बाकी कंपनियों में सुविधा उपलब्ध होती है। मैं विकास की जो बात हो रही है, आर्थिक की जो बात है वो अलग बात है, उसके अलावा मैं विचारात्मक बात को रखना चाहूंगा। पहले जमाने में लोगों के पास ये सोच नहीं रहता कि अपने बच्चे को क्या पढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई अच्छी सी स्कूल है जहां पर अपने बच्चे को हम पढ़ा सकें। आज कंपनी आ रही है तो अच्छे अच्छे स्कूल भी आप खुलना शुरू हो गए हैं। पहले हमारे बच्चे जब कुछ होते थे वहां शिक्षा कर्मी में हमारा बच्चा हो जाएगा, लेकिन आज गरीब से लेकर ऊंचे तबके के सारे लोगों की यह सोच बनी हुई है कि हम अपने बच्चे को भी इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। आज उद्योग खुल जाने के बाद लोगों के लिए बहुत ऑप्शन खुल गए हैं कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, क्योंकि उद्योग खुल गए, वहां पर नौकरी की सुविधा हो गई है। पहले ऐसे कुछ भी सुविधा नहीं होती थी। तो इन सब बातों को देखा जाए तो उद्योग आने से हमें जो फायदा मिल रही है वो जरूर इस क्षेत्र को भी फायदा मिलेगी। और साथ ही मैं एक सवाल बोलने के लिए कंपनी को बोलना चाहता हूँ, यहाँ जो कंपनी स्थापित की जा रही है तो कंपनी से मेरा जरूर अनुरोध होगा, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी लागू हो चुकी है हर जगह पर, हाई क्वालिटी के मशीन ESP लगे हुए हैं या वेटलिफ्टर चिमनी पर, तो ये सारे चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पर कंपनी निर्माण की जानी चाहिए। उसके पानी के या फिर यहाँ पे जो एयर प्रवाहित की जाएगी उसका जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि प्रदूषण का मेन कारण तो यही रहता है। इसके अलावा अधिकतर कंपनी तो गलत नहीं होती, लेकिन उसके अधिकारी लोग गलत नीति बनाकर एक विरोध का माहौल बना देते हैं। जो यहाँ पर दो चार लोग यहाँ पर विरोध किए वो सिर्फ यही कारण है। तो यहाँ के जो युवक हैं, यहाँ जो आशान्वित है इस कंपनी से, तो जरूर कंपनी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके आशा के अनुरूप उनके लिए कार्य करें। यही कहकर मैं अपने पार्टी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, पहला भाई एक मिनट है, मैं बताऊंगा। ये मैं जो
कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो यहाँ के आम ग्रामवासियों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं, कृपया उसके जवाब अपने सुरक्षित रख लेंगे। क्या उनके द्वारा शासन की नीति 6000 गज के अनुकूल जमीन का क्रय किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? अंतर की राशि के बारे में उनके क्या विचार है? क्या जमीन का विधिवत डायवर्शन किया गया है? क्या उनके द्वारा जो है कंपनी हेतु जो 600 मेगावाट की पर्याप्त जमीन है कि नहीं है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में उनका क्या कल्याणकारी नीति है? इनके द्वारा क्या पंचायत ग्राम सभा की अनुमति है नहीं है? क्षेत्र हाथी का कॉरिडोर भाई या नहीं है? क्या पानी का जल का विधिवत अनुमति लिया गया है? उनके द्वारा क्या ग्राउंड वाटर का उपयोग तो नहीं किया जाएगा? उड़ीसा से लगे हुए गांव के विकास के बारे में उनकी क्या नीति है? और अन्य जो 10 किलोमीटर के रेडियस की परिधि के जो गांव है उनके कल्याण के बारे में उनका क्या विचार है? बाकी रोजगार के संबंध में लैंड यूजर को क्या रोजगार देंगे, क्या प्रोजेक्ट आएंगे, इनके द्वारा पहले बताया जा चुका है। ये थोड़ा अपने जब उनको समय आएगा तो विस्तार से उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सुनवाई में प्रत्येक सम्मानित